हम दुखियों का। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं स्वस्तनुभिर्वशे महि देवहितं ददायो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः आनन्दकन्द भगवान् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण आनन्दकन्द भगवान् की हर 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 महा ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण या प्रजाति तजन देहम सा याति परमाम गतिम। कल प्रसंग चल रहा था ओंकार का विधान, ओंकार के जप से मनुष्य किस किस लोक को जीत लेता है। पिपलाद ऋषि सत्यकाम को उपदेश दे रहे थे, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण गीता जी के अंदर भी भगवान कहते हैं ओम
इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मर जो ओम इति एकाक्षर ब्रह्म के प्रतीक प्रणव का जप करता है यान्ति परमाम गतिम जब वो शरीर का त्याग करता है तो परम गति को प्राप्त करता है। क्योंकि लोक में भी प्रसिद्ध होता है अंत समय जो मति सो गति, अंत समय में जो मति सो गति, कि जिस प्रकार के शरीर त्यागते समय मति की सोच होती है, चिंतन होता है, उसी प्रकार से आगे जन्म भी होता है। शास्त्रों में कहा होता है अंत समय शोध लक्ष्मी सिमरे सर्प योनि जाए, अंत समय शोध शरीर सिमरे घर द्वार भूत योनि जाए। अंत समय में जिस प्रकार का स्मरण करता है यम यम बापी स्मरण भावम त्यजतंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंत समय में जैसा जैसा स्मरण भावम त्यजतंते कलेवरम इस शरीर का त्याग करते समय जैसी जैसी भावना से संस्कृत होता है, जैसे जैसे विचार करता है तम तमे वेति कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन उसी उसी के अनुसार ही आगे माता के गर्भ में जन्म लेने के लिए जाता। सदा तद बाव बाविता तो कहते हैं ये बात तो ठीक है लेकिन अंत समय में सिमरन क्या करता है? सिमरन करता है सदा तद भाव भाविता कि जो सारा जीवन जो सिमरन करता रहा वही अंत समय में भी सिमरन जो है प्रकट होते। सारा जीवन जो सोचता रहा वही अंत समय सोचेगा, ये नहीं कि सारा जीवन तो चंडाल की तरह लड़ाई झगड़ा और अंत समय में परमात्मा का सिमरन कर लूँगा, नहीं। जैसा सारा जीवन जो सोच बीती हैं वही अंत समय में प्रकट होगी, चाहे हम कितना भी जोर लगाएंगे बुलाएंगे नहीं बुलेंगे। हाँ अगर जीवन पर्यंत जो है प्रभु का सिमरण करने का हम अभ्यास करते रहे तो अंत समय में भी हमें वो सिमरण हो जाएगा। अब कहते हैं याति परमाम गतिम अवश्य ही वो परम गति को प्राप्त करता है, यानी मोक्ष प्राप्त करने का साधन जो है वो एक ओंकार की
आराधना है, उपासना। उसी ओंकार की उपासना को उपनिषद के अंदर पिपलाद ऋषि बृहद रूप से वर्णन कर रहे। अब ओंकार की उपासना का वर्णन हुआ था कि एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक ओंकार की उपासना, त्रिमात्रिक जो ओंकार की उपासना है उसका विधान है। तो एकमात्रिक ओंकार की उपासना क्या है, द्विमात्रिक ओंकार की उपासना क्या है, त्रिमात्रिक ओंकार की उपासना क्या है, तो देखो पहले तो ये चीज है कि ओंकार से हर देवी देवता अवतार की उपासना हो जाती है, क्योंकि देखो ओंकार से ही सारे मंत्र देवताओं के, वेद के निकले हैं। ये ओंकार जो है साक्षात एकाक्षर ब्रह्म जिसे कहते हैं, यानी जिस अक्षर ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता है, वो जो अक्षर ब्रह्म है वो यही है। प्रणव ही अक्षर ब्रह्म सिद्ध होता है, न क्षरति वयति इति अक्षर। जिसका व्यय नहीं होता है, जो खर्च नहीं होता है, जो कम नहीं होता है, न क्षरति न क्षय होता है कि बहुत समय के कारण थोड़ा 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 खत्म होता गया, न क्षरति न व्ययति इति अक्षरा, उसी को कहते अक्षर। जो क्षर नहीं होता, व्यय नहीं होता, वही ब्रह्म भी है। तो आराधना करने वालों का वर्णन हुआ था कि अज्ञान के कारण जो है, अज्ञान के कारण लोग पड़े रहते हैं किस में, नाना प्रकार के अज्ञान से प्रकट जो उपासनाएं आराधनाएं, तंत्र मंत्र शास्त्र इत्यादि नश्वर फल देने वाली जो आराधनाएं हैं, तो कहते हैं कि ओंकार की उपासना से पर अपर ब्रह्म का वर्णन किया था, पर ब्रह्म की भी अपर ब्रह्म की भी। पर ब्रह्म था कि जो संसारिक भोग इनसे जो हट गए हैं, उदासीन हो गए हैं और ज्ञान कांड में लग चुके हैं, वो पर ब्रह्म की उपासना में संलग्न है। अपर ब्रह्म की उपासना थी कि अनेक प्रकार के शुभ कर्म, यज्ञ याग आदि करके
और उसी ब्रह्म की ओर चलने का प्रयास कर रहे। तो ये क्रम से कि कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति से मोक्ष की प्राप्ति, ये क्रम है अपर ब्रह्म साधकों के लिए। तो पर ब्रह्म हो चाहे अपर ब्रह्म का उपासक हो, दोनों की जो आराधना है वो ओंकार के द्वारा कहते हैं की जा सकती है। अब इसीलिए एकमात्रिक ओंकार, द्विमात्रिक ओंकार और त्रिमात्रिक ओंकार, यानी ब्रह्म के एकमात्रिक आराधना ओंकार के द्वारा करते हो या द्विमात्रिक करते हो या त्रिमात्रिक करते हो, कितना करते हो, ओंकार की आराधना करने से आत्मा में तेज प्रकट होने लग जाता है। ओंकार के द्वारा जब हम परब्रह्म की आराधना में लगते हैं, हमारी आत्मा का तेज जो है प्रकट होने लग जाता है। जितना जितना हम ओंकार की उपासना करते हैं उतना उतना हमारी आत्मा का तेज प्रकट होने लग जाता है। तो फिर अगर ऐसी ही बात है तो कमी क्यों रखनी, इसलिए बढ़ चढ़ करके ओंकार की उपासना करनी ही चाहिए। तो अब कौन सी आराधना करें, एकमात्रिक करें, द्विमात्रिक करें, त्रिमात्रिक करें। कहते हैं प्रारंभ में एक जो है एकमात्रिक आराधना होती है, मतलब कि एकमात्रिक क्या है कि जो ओंकार की थोड़ी सी आराधना करता है, जो ओंकार की थोड़ी सी आराधना करता है वो एकमात्रिक हो जाती है। यानी जितनी जो क्रियाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, जो हमारी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के अंदर जो है ओंकार कि उपासना इतनी करे कि क्रिया हमारी एक तरफ हो जाए, मतलब कि जैसे किसी को होता है ना, किसी किसी को कभी पुत्र होता है बड़ा बेकार हो जाता है, मतलब कि विपरीत हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो बाप उसे बाहर निकालता है, क्या कहता है, मेरे लिए तुम मर गया, बस तुम जा, मेरे लिए तुम मर गया, कभी मुझे याद ना करना, मेरे पास नहीं आना,
पुत्र मरा नहीं है लेकिन बाप का उसकी तरफ ध्यान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसकी गलती, गंदगी, बुरे कर्म के कारण, इसलिए बाप कह देता है कि तुम मेरे लिए मर गया, ना कभी मिलना, ना कभी आना, ना मैं आऊं। लेकिन एक्चुअली है। इसी प्रकार से कहते हैं, हम जब ओंकार की आराधना करते हैं तो हमारे लिए जो ब्रह्म है, ब्रह्म हमारे लिए जो है क्या है, जीवित हो जाता है। जब हम आराधना नहीं करते हैं, ब्रह्म हमारे लिए मृत है। मतलब कि हमें उसकी याद ही नहीं आती, प्रेम ही नहीं है, उससे हमारी कोई अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, ख्याल नहीं है, तो क्या होता है कि वो हमारे लिए मृत है। लेकिन जब हम ओंकार की उपासना करते हैं तो वो ब्रह्म क्या करता है, हमारे लिए वो जीवित हो उठता है और संसार हमारे लिए मृत हो जाता है। संसार हमारे लिए मृत हो जाता है, ब्रह्म जीवित हो जाता है। जब हम ओंकार की उपासना नहीं करते हैं तो ब्रह्म हमारे लिए मृत हो जाता है और संसार जीवित हो जाता है। मतलब कि संसार को समझ लो सांप। सांप को मारने की कोशिश की लेकिन नहीं मरा। अगर नहीं मरा तो क्या होगा, बड़ा विषैला है, जहरीला है, बहुत जहरीला है। संसार के अंदर भरा हुआ है तो एक ही चीज भरी हुई है, जहर ही जहर। कैसा जहर है, एक जहर खाने से तो छुटकारा हो जाता है शरीर से, लेकिन ये जहर ऐसा है ना तो शरीर से छुटकारा ना जहर से छुटकारा। मतलब कि संसार की वस्तुओं को हम लोग इतना पकड़ लेते हैं, इतना पकड़ लेते हैं तप्त लो की बांधती। जैसे गरम गरम लोहे को कोई पकड़ता है तो जलाता है, ये संसार तप्त लो की बांधती कहते हैं, पकड़ा है, जला रहा है लेकिन हम इसे छोड़ नहीं पा रहे।
छोड़ भी नहीं पाते। देखो कई लोग होते हैं दुखी होते हैं पत्नी से, यहाँ आके कई कहते हैं घर वाली बड़ा दुखी करती है, दुखी करती है, छोड़ दो ना, दुखी करती है छोड़ो फिर, लेकिन छोड़ते भी नहीं हैं, छोड़ते हैं लड़के लोग, यह है ना। तब तो लो दुखी भी करती है और छोड़ना भी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है घर वाले ही, कईयों के घर वाले तंग करते हैं। कितनी माताएं आकर के कहती हैं घर वाला बहुत तंग करता है, तप्त लोह की तरह से जलाता है, तो कहो कि भाई जला रहा है छोड़ दो इसे ना, क्यों जलते हो, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते। किसी को बेटा तंग करता है तो छोड़ दो, तो ना छोड़ने का नाम नहीं। शांति प्रकाश जी के आश्रम में थे, एक बार एक बूढ़ी माता आई, वही होगी 80-85 साल की, एक लड़के को ले आई 20 साल का हुआ होगा, 20 गलतियां उसकी कह दी, ये बहुत तंग करता है, परेशान करता है, दुखी करता है, चोरी करता है। हम सुनते रहे, हमने कहा कि अगर ये बहुत ही तंग करता है तो ऐसे करो मैं इसको छोड़ जा, बहुत दुखी करता है ना, कहती हाँ तो भाई बहुत दुखी करता है तो छोड़ दे, कहती कहाँ, मैंने कहा हमारे पास, कहती तुम क्या करोगे, मैंने मैं क्या करूँगा, मैं इसको माला दूंगा, जपेगा राम नाम, रोटी खाएगा, पूजा पाठ सीखेगा, रहेगा मजे से। बुढ़ी हमको कहती है ऐसे करके, ये इसकी उम्र है, तू बड़ा सयाना है, गुस्से के साथ कहती है, तू बड़ा सयाना है, इसकी उम्र है, जप करने की उम्र है इसकी, पूजा करने की उम्र है। मैंने कहा तुम ही तो कह रही है बहुत दुखी करता है, बहुत परेशान करता है, तंग करता है, तो भाई छोड़ना इसको। नहीं, लड़के को बांस से पकड़ी, ऐसे घसीटती हुई ही ले गई, खड़ा हो गया, चल या नहीं बैठना। कारण कि ये संसार तप्त लोह की भांति जलाता है, फिर इसको छोड़ता भी नहीं है व्यक्ति। आग का गोला जला रहा, लेकिन उसको हम दूर भी नहीं करते। ये संसार है, कहते हैं ये संसार जो है ठीक, जब ओंकार की हम उपासना करते हैं तो ये हमारे लिए मृत होने लग जाएगा। मतलब जैसे साधक भगवान की तरफ ध्यान करता है तो थोड़ा तो संसार का ध्यान भूलता है ना, उसको कह देते हैं एक मात्रिक ओंकार की आराधना। जब हम थोड़ा ध्यान करते हैं, थोड़ा संसार को मारते हैं, थोड़ा
उस समय हमारे लिए ब्रह्म जीवित होने लग जाता है। उस समय हमारी आत्मा का तेज जो है ना एकदम प्रकट होने लग जाता है। फिर हम लोग जब द्विमात्रिक करते हैं, ओंकार की आराधना, द्विमात्रिक ओंकार की आराधना करने से व्यक्ति इस लोक के मतलब की जरूरत है जितने भोगों को भी प्राप्त कर लेता है। वस्तु को भी प्राप्त कर लेता है, मतलब कि भोग्य वस्तु का मतलब किससे है, आराधना करते समय साधक को रास्ते में अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां मिल जाती हैं। अनेक प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं। मतलब इस रास्ते में जैसे कोई चलता है, चलते समय रास्ते में कहीं पर पेड़ है, कहीं धर्मशाला है, कहीं कुआं है, जिस जगह जाना है तो उसके रास्ते में जो चीज़ है वही है ना, वो आएंगी। यहाँ से बम्बई जाते हैं तो क्या है, रास्ते में कल्याण आएगा, थाना आएगा, बम्बई जाएंगे। जो भी जाएगा उससे ये रास्ता तो गुजरना ही पड़ेगा अगर बम्बई जाएगा तो। इसी तरह से ये जो हम ब्रह्म की उपासना का करते हैं, इसके रास्ते में हमें आएंगी अनेक प्रकार की सिद्धियाँ, मतलब भोग पदार्थों कामनाओं का। कहने का मतलब यह है कि उनसे हमें मिलती है सुख समृद्धि लगती है, तो वही हमें रिद्धि सिद्धि से वो सारी उसी के अंदर समावेश हो जाती है। किसी को शक्ति मिलती है, कुछ बोल देता होता है, किसी को कुछ और शक्ति मिलती है, तो अनेक शक्तियाँ इस मार्ग के अंदर, जैसे बम्बई जाने वाले को रास्ते में ये जगह आएंगी ही, इसी तरह इस उपासना वाले को भी शक्तियाँ, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, तंत्र मंत्र आएगा ही। और ये द्विमात्रिक ओंकार की उपासना से ही कह देते हैं कि व्यक्ति को ये प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हमें आत्मा का तेज भी साथ में चमकने लग जाएगा, प्रकट होने लग जाएगा। भले उपासना करने वाले को कोई आवश्यकता नहीं किसी को कहने की कि मैं करता हूँ, उसके तेज से ही मालूम पड़ जाएगा कि कुछ करता है या खाली बातें करता है। उसके तेज से ही मालूम पड़ जाता है। पुराणों में प्रसंग आता है, कहते हैं उपमन्यु जी थे तो
गुरु के पास गए आराधना करने के लिए, तो गुरु ने क्या किया कि देखा रे बड़ा मोटा ताजा है, तकड़ा है। तो भाई क्या कारण है, बाकी क्यों नहीं होते हैं? पूछा, अरे उपमन्यु तू क्या खाता है? उपमन्यु ने कहा कि महाराज खाना क्या है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ना, तो मैं तो जाता हूँ मधुकरी करता हूँ। मधुकरी मतलब कहते हैं कि भिक्षा करना, और उस भिक्षा में क्या है, पांच घर भिक्षा करना। पांच घर भिक्षा करके जो मिला उससे जीवन चलाना, चाहे कम मिला चाहे ज़्यादा मिला। गुरु ने कहा अच्छा, ये तो भाई काम तो गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि ब्रह्मचारी के लिए ये विधान है कि अगर वो भिक्षा करता है, भिक्षा ला करके गुरु को अर्पण करे, गुरु जो दे उसे वापस उससे खाए और उससे गुजारा करे, तो तुम तो अपने ही खा जाता है। उपमन्यु ने कहा ठीक है महाराज, अरे तो इतना मोटा तकड़ा हो रहा है तेरा, इतना तेज, क्योंकि मधुकरी करके जो खाता है तो वो क्या है कि उसकी उसका प्राश्चित जो है ना उसे नहीं लगता है। मतलब जैसे लोग खिलाते हैं तो अब खिलाते किस लिए हैं? खिलाते इसलिए हैं कि हमारे धन की शुद्धि हो जाती है। जो पाप पाप हैं वो दान में निकल जाते हैं, लेकिन जो दान को खाता है और उसके बदले में अगर कुछ भी देने के लिए उसके पास नहीं है, ना नाम सिमरन है, ना ज्ञान है, ना तप है, तो फिर वो समझ लो कि पाप ही पाप अपने सिर पे उठाया जा रहा है। पापों के कारण उसकी बुद्धि बिल्कुल जो है जड़ हो जाएगी। जो साथ साथ में ही जिसका अन्न खाता है उसका प्राश्चित करता जाता है, यानी उसे देता जाता है उसके बदले में, तो उपासना दे, तप दे, ज्ञान दे, स्वाध्याय दे, यज्ञ दे, देना तो पड़ेगा। तो उसका साथ साथ में फिर जीवनचर्या शुद्ध रहती है, फिर उसकी बुद्धि जड़ नहीं होती है। नहीं तो दान खाता जाएगा, लेता जाएगा, देगा उसके बदले में कुछ भी नहीं, ना उसके पास ज्ञान है देने के लिए, ना कोई उसके पास तपस्या है कर रहा है, ना उसके पास कोई पाठ है। मैं प्राचीन देखते थे महात्मा मंडली में होते, शुरू में कई महात्मा का नियम होता था कि रोज 18 अध्याय गीता पढ़ना ही पढ़ना, 6 अध्याय सवेरे पढ़े, 6 दिन में पढ़े, 6 शाम को पढ़े। हम भी पूरी गीता करते रहे शुरू में। भोजन के समय किस लिए गीता पढ़ते हैं कि भाई जिसका दान खाएंगे उसको कुछ तो दो। उन महात्माओं को ये होता था कि भाई पूरी गीता कम से कम जिसका हम दान खाएं उसे इतना फल तो दे दो कि हम
जड़ता से रहित हो जाए, मतलब कि जिसके ऊपर दान तो लेता जाता है, खाता जाता है, देता कुछ भी नहीं तो बुद्धि हो जाती है जड़, तत्त्व ज्ञान को नहीं पकड़ सकती है, बिल्कुल उसे मालूम ही नहीं पड़ पाएगा कुछ। अच्छा, फिर कई महात्मा को देखा कि वो मिठाई नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, खाली दाल फुल्का। अरे क्यों? क्योंकि भाई मैं अनुष्ठान करता हूँ तो जिसकी मिठाई फल दूध खाऊंगा वो फिर अनुष्ठान मेरा सारा उसी के ही जाता रहेगा। कई ऐसे है कि बिल्कुल नहीं खाना, दाल और फुल्का जीवन चलाने के लिए, बस उतना तो हक है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ जो है उसके लिए आराधना करनी जरूरी है, और नहीं उसका कुछ देंगे तो फिर वो जड़ता बन करके अपने सिर पर चढ़ जाएगा। तो कहते हैं इसी प्रकार से उपमन्यु जी को गुरु ने कहा मधुकरी करके तो आता है लेकिन तुझे देना चाहिए गुरु को अर्पण, गुरु जो दे वो खाए। उपमन्यु ने कहा ठीक, ला करके मधुकरी देनी गुरु को। गुरु ने क्या किया, उपमन्यु को देना बंद कर दिया। जो दूसरे शिष्य होते थे वो उन्हें दे देते, उपमन्यु को कुछ भी नहीं देते कि देखते हैं इसका कहाँ तक सहन शक्ति है, कहाँ तक ये श्रद्धा रखता है। तो उपमन्यु ने कहा ठीक है, गुरु बिल्कुल कुछ भिक्षा से नहीं देते हैं। उपमन्यु चलो क्या करना, फिर गैया चराने जाना तो गैयों का जो है रास्ते में दूध निकाल के पी जाना, जंगल में ले जानी गाय उनका दूध चो के पी जाना। फिर भी उपमन्यु का तेज जरा भी कम नहीं था, खाना वाना तो मिला नहीं लेकिन उपासना थी ना साथ में। गुरु ने कहा कि अरे अभी भी तेरा तेज ढीला नहीं हुआ है, क्या खाता है क्या पीता है? उन्होंने कहा महाराज आपने खाना बंद किया तो मैं गाय जो ले जाता हूँ दूध निकाल लेता हूँ वही पी लेता हूँ। गुरु ने कहा ये तो चोरी है, ये तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा चोरी है महाराज, जो आ गया ये भी बंद करता हूँ। बंद कर दिया, थोड़े दिन देखा फिर भी उसका तेज कम नहीं हो रहा। गुरु ने कहा अरे उपमन्यु क्या करता है फिर भाई? अब कहता है महाराज वो चोरी थी तो बछड़े जब गाय का दूध पीते हैं ना वो मुंह से किनारे से उनके जाग निकलती है तो मैं वही चाट लेता हूँ, उसी से जीवन चला लेता हूँ। गुरु ने कहा कि नहीं ये भी अनुचित है, तो जो आ गया महाराज अनुचित है तो ठीक है ये भी छोड़ देता हूँ।
फिर सूखे घास तिनके खाने, फिर भी मनु का तेज कम नहीं। अरे भाई कैसे तुम्हारा तेज है, सूखे तिनके खा के भी नहीं कम हो रहा। तब गुरु कहते हैं ये जो है ओंकार की उपासना का तेज है, ये आत्मा का तेज है। क्योंकि ओंकार की उपासना उपमन्यु करते थे, थोड़ी नहीं करते थे, एकमात्रिक नहीं, द्विमात्रिक नहीं, त्रिमात्रिक बहुत। कहते हैं एकमात्रिक ओंकार की उपासना अगर थोड़ी भी करते हो, समझ लो कि ये ऋग्वेद तुम जो है पूरा पढ़ लेते हो। एकमात्रिक ओंकार की उपासना ही ऋक् का ज्ञान है। क्यों कि वेद उपनिषद भी जो हैं, वेदों के अंदर उपनिषदों के अंदर दो विभाग होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग के लिए मंत्र उपदेश देते हैं, कुछ मंत्र होते हैं निवृत्ति मार्ग के लिए हमें ज्ञान देते हैं। मतलब कि कुछ होते हैं मंत्र जो हमें चंद्रलोक की ओर, कुछ होते हैं जो सूर्यलोक की ओर, कुछ होते हैं जो कर्म कांड में हमें प्रेरित करते हैं, कुछ होते हैं जो हमें ज्ञान कांड में प्रेरित करते हैं, कुछ मंत्र हमें प्रवृत्ति मार्ग पर उपदेश देते हैं, कुछ मंत्र हमें निवृत्ति मार्ग पर उपदेश देते हैं। जो जिस चीज का साधक होता है, जो जैसी आराधना का जिज्ञासु होता है, जो जिस रास्ते पर चलना चाहता होता है, वो उस रास्ते को पकड़ लेता है। ज्ञान कांड का अधिकारी है तो ज्ञान कांड निवृत्ति मार्ग को पकड़ लेता है, ब्रह्म की उपासना में संलग्न हो जाता है। अगर जो है निवृत्ति मार्ग को हिम्मत नहीं है क्योंकि उसमें विशेषकर शरीर की ममता का त्याग करना पड़ता है, फिर वो प्रवृत्ति मार्ग को पकड़ लेता है कि यज्ञ दान धर्म कर्म करके भी उस मार्ग की ओर चलने के लिए रास्ता बना। क्योंकि निवृत्ति मार्ग की आराधना में शरीर के रिलेटेड जो हमें मोह है प्रेम है इसे अवॉइड करना होता है, नहीं तो वो होगा ही। तो प्रवृत्ति मार्ग के अंदर तो ऐश्वर्यमय लोकों को प्राप्त करके अपने
यशोवर्धन करके आगे बढ़ता है। तो थोड़ी आराधना को और बढ़ाए, मतलब कि भोग मोक्ष परब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों की आराधना ओंकार से ही फलित हो जाती है, सफल हो जाती है। ओंकार की थोड़ी सी उपासना और बढ़ाए। मतलब कि द्विमात्रिक पर जा पहुंचे, द्विमात्रिक जो ओंकार की उपासना है वो समझ लो कि ऋग्वेद के साथ में यजुर्वेद भी आ गया। क्योंकि वेदों का जो सारांश जो ज्ञान है, जो उनका फल है, उपदेश है, वो द्विमात्रिक ओंकार की उपासना के अंदर आ जाता है, पूरा पूरा आ जाता है। फिर हम कहते हैं छोटे मोटे जो लोक होते हैं ना, उन सबको जीत जाते हैं। द्विमात्रिक जो ओंकार की उपासना करके छोटे मोटे लोक हम सब जीत जाते हैं। लेकिन क्या है कि अगर साथ में हमारे सदाचार पालन श्रद्धा ये अगर साथ में है तो इनमें से एक भी चीज़ कम हुई तो फिर नहीं बनेगा काम। सदाचार को भी बनाए रखना चाहिए और श्रद्धा को भी बनाए रखना चाहिए। सदाचार गया श्रद्धा गई तो कितनी भी आराधना की होगी कुछ भी नहीं। सारी आराधना हमारी जो है बेकार चली जाएगी। उपनिषदों में आता है कि उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को कहा कि बेटा ऐसा करो, हमारे वंश में कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने वेद का अध्ययन ना किया हो, परब्रह्म का साक्षात्कार ना किया हो। इसीलिए बेटा तुम भी जो है करो, हमारी वंश परंपरा में कोई भी ऐसा नहीं हुआ आज तक संतान। श्वेत केतु को भेज दिया वेद पढ़ने के लिए। आजकल के माता पिता को होती है टेंशन पैसे की कि पैसा कमाओ बेटा।